गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश शर्मा पाणी भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया व्लॉग, और व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों किससे, गाड़ी से। तो गाड़ी में बैठे हैं दोस्तों, और यशस्वी यहां पे है, नीतू दरवाजे को लॉक कर रही है। सो यशस्वी हम कहां जा रहे हैं? यस गाइस, हम जा रहे हैं गाइस नानी के घर, और आपको बहुत टाइम बाद दोबारा से नानी से मिलवाते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने हमारे दो तीन ब्लॉग पहले वाला देखा होगा कि नानी हमारे साथ, हम लोग मसूरी गए थे और नानी हमारे साथ थी, पर उसके बाद भी नानी अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए, पर नानी से हमारी मुलाकात हो ही नहीं पाई। सो आज गाइस फाइनली आज है छुट्टी, क्योंकि आज है गांधी जयंती। तो आज सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाइयां। और कहा पापा, आज मैं एक पेंटिंग बनाने वाली हूं। किसकी? यूनाइटेड इन डेस्टिनी। वेरी गुड। सो गाइस आज ये पेंटिंग बनाएगी तो आपको दिखाएंगे। नीतू यहाँ आ चुकी है, और नीतू हाई कर दो ब्लॉग में सबको। सो गाइस अभी सब लोग अब तैयार हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं कहाँ, नानी घर। नानी घर है बहुत ज़्यादा दूर, जो कि है गाजियाबाद, और हम रहते हैं छतरपुर साकेत के पास। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली है 35 किलोमीटर। कितना दूर है? 35 किलोमीटर दूर है, और हम लोग वहाँ जा रहे हैं नानी से। 36 क्या होता है? 36 होता है, 36 होता है। गाइस की जैसे हिंदी पढ़ाई में वीक है ना, हिंदी इसी कमजोर है, वैसे इसकी हिंदी उसमें भी कमजोर है, जो बोलने में वाली जो 1 2 3 एक दो तीन बोलते हैं हम लोग। चल चलो ठीक है ठीक है, कैसे हम निकल। सो गाइस निकल चुके हैं नानी के घर। ये नानी ने हलवा पूरी बनाया नहीं बनाया, पर नानी घर तो जा रहे हैं। मोटे होना है इसको। अब पता नहीं कितना मोटा होना है इसको। मैं मोटी कहूँ? यशस्वी आप बताओ मम्मी क्या है? मैं मोटी हूँ यशस्वी? नहीं, मीडियम है। इतना बड़ा सफेद झूठ। गाइस आप देख रहे हैं, आप प्लीज मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि नीतू मोटी है कि नहीं है। नहीं, जो जो मोटी लिखेगा, जो मोटी लिखेगा उसको 100 रुपए इनाम। सुन तो लो, पहले मम्मी को डबल एक्सेल आता था, अब एक्सेल आता है। ये देखा हुई ना मैं पतली। अच्छा फिर सो गाइस यहाँ थोड़ा फर्क तो पड़ा ही है इसको। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद, और अभी बस नानी का घर थोड़ा सा ही दूर है, वैशाली में थोड़ा सा ही दूर है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना पापा? यस, सब पहुंचने वाले हैं। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. So guys, finally पहुंच गए हैं नानी के घर। So ये दोनों तो भाग गए। नीतू दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए यहाँ नीतू पहुँच गई है मम्मी के गेट पे। यशस्वी शर्मा, किसका पेड़ है? अपराजिता। अपराजिता, हाँ। क्या होते हैं अपराजिता? ये भगवान शिव को पसंद है। अरे वाह, बहुत रेयर, मतलब बहुत मुश्किल से लगता है। गाइस ये देखो अपराजिता का पेड़, मैंने तो पहली बार देखा है। तो ये है नानी का घर। नानी का घर यहाँ पे है। नानी जी ने पेड़ बहुत सारे लगा रखे हैं, देख रहे गाइस कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगा। ये देखिए समी का पेड़, ये है क्या है, ये मनी प्लांट है। अच्छा मनी प्लांट है, वो भी अपराजिता। ये अपराजिता भाई साहब बहुत सारे पेड़ लगा रखे नानी ने। अब नानी कुंडी क्यों नहीं खुल रही है हमारे? अच्छा कुंडी खुली हुई है, अरे वाह, हमारा भी दिमाग बहुत तेज चल रहा है। सही पकड़े हैं। यशस्वी शर्मा ऊपर पहुंच चुकी है, जाओ उतार लेते हैं शूज, चलते हैं नानी के पास। नानी जी आ गए दोबारा से हमारे ब्लॉग में, यहाँ नीतू। और गाइस ये देखिए यशस्वी शर्मा आके वीडियो देखने लगे। सो गाइस नानी के घर पहुँच चुके हैं, काम खत्म हो चुका है, जल्दी से अपना यहाँ पे लंच करेंगे। लंच करने के बाद यहाँ से निकलेंगे वापसी कहाँ, छतरपुर के लिए। सो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं रवि भाई के घर। ये है हमारे पहले सब्सक्राइबर, जिन्होंने हमको सबसे पहला हमारा जब जैसा बना था ना, सबसे पहले सब्सक्राइबर यही थे। और नीतू यहाँ इनके यहाँ आके चॉकलेट चुरा के चॉकलेट खा रही है। पैसे नहीं दिए, झूठ कह रही है, पैसे दिए चेक कर। तो दोस्तों ये है हमारे रवि भाई की छोटी सी शॉप, और ये हमारे नानी का घर जो है वो इधर इस वाले घर के ठीक पीछे घर है, और यहीं पे रवि भाई का है। और सबसे पहले हमारी जो वीडियोस होते हैं, सबसे पहले वीडियोस को लाइक करने वाले और सबसे पहले कमेंट भी करने वाले यही वो शख्स है जो हमारे वीडियोस सबसे ज्यादा देखते हैं। सो दोस्तों अभी भैया के आए हैं, थोड़ा सा मिलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो रवि भाई की दुकान से पहुंच के देखिए, तीन देवियां हैं, तीनों की तीनों देवियां ऐसे लेट गई हैं, और
खाना ना जम के खा लिया गया है, खूब जम के खाना खाया और खा के अब उनको आ रही नींद है, अब भयंकर तरीके से नींद आ रही है। अब तीनों तीनों सोएंगे, यानी मैं भी सो जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर उठ के फिर आपसे निकलेंगे। और आज हम लोग शाम को कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, नीतू मैं और रिशु। हम घर जाने से पहले कहीं जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे ये कन्फर्म नहीं है। तो चलो बताओ कहाँ जाने वाले, जोर से बोलो, वेस्ट ऑफ वंडर। सो गाइस शायद हम लोग जाएंगे वेस्ट ऑफ वंडर या जाएंगे कोई मार्केट में, सब्जी के मार्केट जा सकते हैं, लक्ष्मी नगर जा सकते हैं, इवन वेस्ट ऑफ वंडर भी जा सकते हैं। अभी पता नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट हाँ जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहेगा व्लॉग में। सो हे गाइस फाइनली हम लोग सो के उठ गए हैं, आँखें आपको देख रही होंगी अभी भी थोड़ी सी आती है। चाय बना दी है नानी ने और टाइम हो चुका है 4:31 हो चुके हैं और दोस्तों हम लोग फाइनली उठ गए हैं, आंखें जैसे कि देख रहे हैं। नीतू यहाँ पे है, यशस्वी के बाल बना रही है क्योंकि अब हम लोग निकलने वाले हैं। चाय रेडी है, चाय पीते हैं, थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। नानी यहाँ पे है, हम जाने वाले हैं वेस्ट ऑफ वंडर। तो उम्मीद करता हूँ कि वेस्ट ऑफ वंडर आज खुला हो क्योंकि आज है गांधी जी का जन्मदिन, आज गांधी जयंती में मे बी वो पार्क खुला भी हो और यहाँ लड़ाई चालू है। अरे रे 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 क्या फाइट ये चालू है, ये देखो दोनों लड़ाई कर रहे हैं और नीतू अरे लग जाए, अरे रे 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 नानी के सामने ही फाइट हो रही है, ये इसको ना चिढ़ा रही है नीतू, नीतू उसको चिढ़ा रही है इसलिए ऐसा कर रही है, अदरवाइज ऐसा करते नहीं। चलो जी ये देखो नानी भी ब्लॉग पे आके क्या बोल रही है, मेरी बेटी को ऐसे मार रही है तुम, ये भी तो आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी को मार रही है, तंग कर रही है। सो गाइस ये सब तो चलता रहेगा, बस अब चाय पीते हैं और निकलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यशस्वी मैडम ने अभी लंच किया था, लंच करने के बाद अब उसे मैगी भी खानी है। और नानी को हमने कितना मना किया, नीतू और मैंने बहुत मना किया कि नहीं बना नहीं बना बना, पर नानी प्यार जो है ना उसका तो बात ही अलग है। नानी ने फिर भी बनाई दिया यशस्वी के लिए मैगी। सो गाइस निकल चुके हैं नानी के घर से, नानी ने टीका लगा दिया, देखिए गाइस टीका लग गया है, नीतू के भी लग गया है, चलते हैं। चलो चलो तो गाइस देखिए यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी ऑन कर दी है, ऐसे यहाँ गाड़ी कर देते हैं स्टार्ट, स्टार्ट। इस नानी को छोड़ दिया है, ये देखिए मिलाप भी हो चुका है, बाय नानी, सबको बाय बोल दो, बाय बाय बाय, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों निकलते हैं वेस्ट ऑफ वंडर, पता नहीं खुला है नहीं खुला है पर चलते हैं जरूर उधर, ओके मिलते हैं वहीं पे। सो हे गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे वेस्ट ऑफ वंडर और वेस्ट ऑफ वंडर पहुंच के पता लगा कि सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन वेस्ट ऑफ वंडर जो है बंद होता है, तो आज का प्लान कैंसिल है। वेस्ट ऑफ वंडर गाइस यहाँ पे है तो वो अभी बंद है। यशस्वी शर्मा दिन भर सोई नहीं, बिल्कुल हमने बोला बेटा सोजा सोजा सोई नहीं, और नीतू यहाँ पे है यही सोई नहीं लड़की और आप देखो घोड़ा बेच के सो रही है। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ पे अभी हम लोग बीच पे जा सकते हैं लक्ष्मी नगर और दो तीन जगह और भी हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ भी पहुँचेंगे और जहाँ भी कुछ होगा। आप लोगों को तो पता है हमारे ब्लॉग में हमेशा ऐसे ही होता है कि हम कुछ भी जहाँ जाते हैं जाना कहीं और होता है पहुँच कहीं और जाते ये हमेशा ही होता है, तो अभी हमें भी नहीं पता, चलते जहाँ जाएंगे जैसे भी होगा आपको शेयर करेंगे और बने रहेगा ब्लॉग। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं लाजपत नगर और गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है नीतू और जैसे देखो ये जहाँ जाते हैं सेल्फी खींचने में लग जाते हैं और व्लॉग में इनको बात करने में दिक्कत होती है, ये देखो। चलो यशस्वी ये देखो इसको इसको फोटो खींचने का शौक, चल अंदर ही चलते हैं, चल देखो कितना अच्छा है, हाथी भी बना हुआ है। लाजपत नगर में कुछ नई नई चीज़ें हुई हैं अभी, है ना, कितना अच्छा पार्क बना दिया हम। चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं लाजपत नगर की मार्केट। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, and damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. गाइस ये देखिए यशस्वी को पांडा पसंद आ रखा है, ये देखो पांडा, ये देख रहे देख रहे देख रहे उसकी नौटंकियाँ, इसके पास इतने सारे टॉयज हैं, इतने सारे टॉयज हैं, अब तो इसके लिए गाइस अब तो डॉग भी आने वाला है, यशस्वी आपके लिए डॉग आने वाला है, पता है ना आपको।
फिर से टॉयज आ गए हैं। यशस्वी का दिमाग फिर से टॉयज की तरफ जाता हुआ और यशस्वी के कदम बढ़ते हुए टॉयज की तरफ। अब देखते हैं यशस्वी कौन सा टॉय लेगी। इसी वजह से मुझे ना सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, यूनिकॉर्न अच्छा लग रहा है, देख रेड वाला। और मेरी भी नज़र वहीं पर है यूनिकॉर्न में ना, क्यूट सा लग रहा है यूनिकॉर्न रेड वाला। यस क्यूट है ना, क्यूट लग रहा है। फाइनली शॉपिंग शुरू हो चुकी है। एज यूजुअल नीतू पहुँच गई है अपने लिए सूट लेने के लिए। तो नीतू की फेवरेट दुकान भी है और फेवरेट जगह है लाजपत नगर। सो गाइस नीतू के लिए शूज़ लिया है प्यूमा का और एक शूज़ अभी और ऊपर है। सो गाइस ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम लोग लाजपत नगर आएँ और मैकडॉनल्ड्स ना आए। यशस्वी शर्मा का फेवरेट मैकडॉनल्ड्स नीतू यहाँ पे है। तो यशस्वी शर्मा गाइस चल चुकी है अपने मैकडॉनल्ड्स बर्गर के लिए। आलू टिक्की बर्गर्स यशु का फेवरेट और यहाँ बिलिंग काउंटर है। और आज मैकडॉनल्ड्स पर भीड़ बहुत कम है क्योंकि आज है सोमवार यानी मंडे है। पेप्सी भी नहीं है, पेप्सी चलो ठीक है देखते हैं, चलो जो मन कर ले लो। आ गए हैं बर्गर, चलिए गाइस चलो। मॉम देखो मॉम यशस्वी ने क्या लिया है, डाइट कोक भी ले ली है, फ्रेंच फ्राइज भी ले ली है और कार्तिक आयरन का मील भी ले लिया है इसने। एक डाइट कोक है, दो बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है साथ में यशस्वी। तो गाइस अभी तो यहाँ हो रही है भीड़, तो फिलहाल डिनर हमारा यही है, आज हम डिनर नहीं कर रहे हैं, डिनर में जो भी यही है। देख लो गाइस इसने कोक मंगाई थी और ये खा रही है। नहीं हाँ गाइस ये देखिए धीरे धीरे यशु का ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। पहले यशस्वी बिलिंग करने में दिक्कत करती थी पर आज ये जाके खुद ही जाके ले आती है चीज़ें और यही कॉन्फिडेंस मैं हमेशा चाहता हूँ इस पर। तो आज यशस्वी ऐसा कर लेती है। तो कोक इसके लिए डाल दी गई है, नीतू ने भी कोक इसके हिस्से की मार ली है। हम लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं क्योंकि हम लोग आजकल प्याज और लहसुन हमने छोड़ा हुआ है। यशस्वी के लिए दो बर्गर हैं जो एक अपना कल स्कूल लेके जाएगी और अभी इसने खा लिया है ठीक है। यशस्वी शर्मा ने अपना बर्गर पूरा फिनिश कर दिया, कोक भी पूरी फिनिश हो गया और एक बर्गर इसने खाया नहीं तो ये साथ में लेके जा रही है ना। चले फिर अब तो चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस ये देखिए लाजपत नगर का एक छोटा सा मॉल जो है बहुत ही खूबसूरत। यहाँ फाउंटेन भी है, ये है देखिए मैकडॉनल्ड्स, यहाँ है वेस्ट साइड। नीतू और यशस्वी यहाँ घूम रहे हैं। फाउंटेन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यशस्वी फाउंटेन कितना अच्छा लग रहा है ना। सो चलते हैं, ये दोनों फोटो खिंचवा रहे हैं क्या स्कूल के जाएंगे बुर्गर। चल बुर्गर स्कूल लेके जाएगी दो उसको डाल दो। गाइस ये देखिए इतनी सारी शॉपिंग करी है हम लोगों ने। इसमें दो प्यूमा के शूज़ हैं, कुछ ड्रेसेस हैं और ये देखिए यहाँ इन दोनों की चल रही है क्या। एज यूजुअल नीतू सेल्फी गर्ल, सेल्फी सेल्फी चल रही है। और ये देखिए गाइस ये स्टाइल देख रहे हैं गाइस आप। आज की शॉपिंग कैसी रही? आज शॉपिंग इतनी सारी करी हम और मेरी सबसे ज्यादा हुई। यस आज तो दो शूज लिए गाइस। यस दो शूज लिए यशस्वी। आज मॉम के लिए शॉपिंग हो गई, आज मॉम का शॉपिंग डे था ना, है ना। आज हमने और नीतू ने हम दोनों ने कुछ नहीं लिया पर आज मॉम का डे था। देखिए गाइस यानी मेरा मैंने भी कुछ दो चीज़ें ली हैं पर नीतू को देखे गाइस पूरा जो शॉपिंग है ना इसमें दो ही कपड़े हैं, दो कपड़े इसके हैं, दो बस मात्र दो मेरे भी हैं पर नीतू के तो गाइस ये देखिए पूरा फुल जो है पूरा जितना शॉपिंग है सब नीतू नहीं करी है आज शॉपिंग इस बार। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात है हुई मंथ के एंड में हम लोगों ने शॉपिंग करी, अदरवाइज मंथ के एंड में हम लोग ज़्यादा शॉपिंग करते नहीं क्योंकि ऑब्वियसली बात है पैसे वैसे सब एंड एंड ही रहते हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं पर हमको चीज़ अच्छी मिली तो हमने ले ली है ना यशस्वी, है ना। सो अभी हम गाड़ी की तरफ चल रहे हैं, गाड़ी हमारी वो उधर कहीं खड़ी है। गाइस फाइनली हम अपनी गाड़ी में पहुँच चुके हैं और नीतू यहाँ पे है, यशस्वी गाइस बैठ चुकी है यहाँ पे, अब हम भी बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी में। सो गाइस आज का व्लॉग जैसा भी था आपसे शेयर किया और हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।